हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर द बिग डॉग रोमन रेंस ने क्यों मदद की अपने भाई जे उसो की, एंड आखिर क्या चल रहा है बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट। दोस्तों, आज की स्मैकडाउन काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे एंड एक्सप्लोसिव स्टफ हमें देखने मिले आज की स्मैकडाउन में। तो आखिर बिग डॉग ने क्यों मदद की अपने भाई जे उसो की और क्या चल रहा है आखिर बिटवीन द फीड एके ब्रे वाइट एंड एलेक्सा ब्लिस, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेंगे। दोस्तों, आज के स्मैकडाउन में 4 मैचेस बुक हो चुके हैं आने वाले रॉ के लिए, और वो 4 मैचेस है, आज का डिफेंड करेंगे अपना रॉ विमेंस चैंपियनशिप अगेंस्ट मिकी जेम्स। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की मैच होने वाली है सिजारो एंड शिंस के नाकामुरा से इन अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, और ये टाइटल ऑन द लाइन वाला केस नहीं है। नेक्स्ट मैच जो बुक हुई है वो है डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस इन अ स्टील केज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रू मैकइंटायर की मैच होने वाली है कीथ ली के साथ। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे मैचेस बुक हुए हैं नेक्स्ट रॉ के लिए, तो फिर हमें देखना होगा कि कैसे होते ये मैचेस एंड कैसा होता है ये रॉ एंड कौन निकल के आता है विनर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट से। दोस्तों, आज के स्मैकडाउन में नंबर 1 कंटेंडर वाली मैच थी फॉर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, और उसमें थे लेसी एवेंस, टमीना, एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस। तो दोस्तों, ये मैच तो जीत लिया निकी क्रॉस ने, पर मैच के दौरान एलेक्सा ब्लिस काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी, और फिर उन्होंने निकी क्रॉस को दे दिया सिस्टर एबिगेल, जो है ब्रे वाइट एके द फीड का फिनिशिंग मूव। और फिर वो मूव देने के बाद एलेक्सा ब्लिस चली गई उस मैच से। और दोस्तों, ब्रे वाइट की बात करें तो आज फायरफ्लाई फन हाउस में एक न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस होने वाला था, और ब्रे वाइट इंट्रोड्यूस करते हैं एक पैरट को, बट वो पैरट बॉक्स से बाहर निकल के नहीं आता है। ब्रे वाइट ये कहते हैं कि वो पैरट शायद मर चुका है, और रोमन रेंस को वो थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि रोमन रेंस ने फायरफ्लाई फन हाउस से एक चीज ले ली है, और वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और तभी विंस मैकमैन का जो पपेट है वो आकर कहता है कि ब्रे वाइट ने विंस मैकमैन का भरोसा तोड़ दिया है, और इसकी वजह से ब्रे वाइट को चाहिए एक स्पेशल एडवाइसर। और फिर दोस्तों, विंस मैकमैन का जो पपेट है वो इंट्रोड्यूस करता है वो ब्ली वॉल्ड्रस को। ये वॉल्ड्रस पॉल हेमन जैसे दिखता है, और उसने भी सूट पहना होता है। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है बिटवीन ब्रे वाइट एंड रोमन रेंस की फ्यूड जो होने वाली है बहुत जल्द। और एलेक्सा ब्लिस ने जो सिस्टर एबिगेल हिट किया है, तो फिर हमें देखना होगा कि WWE कैसे एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट एके द फीड की कनेक्शन कैसे दिखाएंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस है कि एलेक्सा ब्लिस इन द कमिंग टाइम इन्वॉल्व हो सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में फीड एंड रोमन रेंस। सो लेट्स सी कैसे यूज़ किया जाता है एलेक्सा ब्लिस को इन द कमिंग टाइम। तो चलिए बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। दोस्तों, आज के मेन इवेंट में हमें एक टैग टीम मैच देखने मिली बिटवीन रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस शेमस एंड किंग कॉर्बिन, जहाँ पर रोमन रेंस काफ़ी बाद में आते हैं मैच में, और जे उसो ही अकेले बैटल करते हैं कॉर्बिन एंड शेमस के साथ। जे उसो काफ़ी अच्छी फाइट देते हैं, पर जब शेमस ब्रोक की करने जाते हैं जे उसो को, तभी म्यूजिक बजती है द बिग डॉग रोमन रेंस की, और रोमन रेंस कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। और फिर रोमन रेंस खुद को टैग करके आते हैं, और बाद में वो स्पीयर दे देते हैं शेमस को, और फिर शेमस को वो पिन करके मैच जीत लेते हैं अपने टीम के लिए। और फिर रोमन एंड जे उसो जाते हैं एंट्रेंस की तरफ, और वहाँ पर जे उसो रोमन रेंस का हाथ जो है वो रेस करते हैं, और रोमन रेंस गुस्से से देखते हैं जे उसो को। तो अगर रोमन रेंस हील है तो उन्होंने हील वाला काम क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों मदद की अपने भाई जे उसो की। तो दोस्तों, इट सीम्स लाइक WWE एंड विंस मैकमैन इतने जल्दी ट्रिगर पुल करने नहीं वाले हैं कि रोमन रेंस इतने जल्दी अटैक करे जे उसो को। ये जो है बिल्डअप वो थोड़ा थोड़ा स्लो पेस से आगे बढ़ेगी, और रोमन रेंस का जो हील टैक्टिक्स है वो हमेशा वर्क होते ही है हर एक मैच में सिंस पे बैक। इस मैच में भी रोमन रेंस एंड में आए थे, और उन्होंने ही मैच ख़त्म की, और उन्होंने ही पिन करके अपनी टीम के लिए विन हासिल की। एंड देन इन दी एंड वो काफ़ी गुस्से से देख रहे थे जे उसो को। तो ये हो सकता है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं जे उसो को, क्योंकि अब उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है जे उसो से। तो दोस्तों, इसलिए द बिग डॉग रोमन रेंस ने मदद की आज के स्मैकडाउन में जे उसो की, और अपने हील टैक्टिक्स नहीं दिखाए जे उसो पर उन्हें अटैक करके।
तो ये सब विंस ने बचा के रखा है आने वाले स्मैकडाउन के लिए। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर कैसे ये फ्यूड बिल्डअप लेती है आने वाले टाइम में। पर दोस्तों, इस फ्यूड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप इस फ्यूड के लिए एक्साइटेड रहिए। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, एंड सेकेंड आप कितने एक्साइटेड हैं रोमन रेंस एंड जे उसो के स्टोरी लाइन के लिए। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।